हेलो गाइस, मेरा नाम है रयान। आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे को कमेंट्स में बोला था कि आर्मा फायर टीम की फाइट कराने के लिए बहुत सारी आरसी कार के साथ आज मैं इसकी जेएलबी चीता के साथ फाइट कराऊंगा और भी बहुत सारी कार से। गाइस जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये फ्लाई स्काई E9.5, इसकी स्पीड 100 किलोमीटर से भी ज्यादा तक जा सकती है। ये है थंडर बोल्ट आरसी कार, इसको मैंने पूरी तरीके से मॉडिफाई करके बनाया गया। और ये है अपनी जेएलबी 21101 आरसी कार। चलो गाइस फटाफट से कराते हैं इन सभी के बीच में फाइट, देखेंगे आज की फाइट में ये कार को कौन सी कार हराती है। लेट्स गो एंड फाइट। ये आर्मा फायर टीम का बॉक्स काफी ज्यादा बड़े साइज का है, आप देख सकते हो, और टेबल जितना तो बड़ा इसका बॉक्स ही है। तो चलो फटाफट से इसको मैं अनबॉक्स कर देता हूँ। यार आपने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जरूर से फॉलो कर लेना, वहां पे मैं बहुत ही कमाल की रील्स बनाता रहता हूँ। देखो यार कार का साइज भी काफी ज्यादा बड़ा है, ऐसे पैकिंग में मिलती है हम लोगों को आर्मा फायर टीम आरसी कार। ऊपर की पैकिंग मैं हटा देता हूँ। यार आपने अभी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो जरूर से लाइक भी कर देना। फटाफट से कार को यहाँ से निकाल लेते हैं, लोगों को भी हटा देते हैं। ये डिब्बे क्यों लगाते हैं मैं आपको बताता हूँ, ताकि इसके व्हील्स जो है प्रोटेक्टेड रह सके। गाइज ये आर्मा फायर टीम को मैंने 1 लाख रुपीस में खरीदा था। अंदर की तरफ यहाँ पर आप लोगों को सोल्जर्स भी देखने को मिल जाएंगे, तो इसकी बिल्ड क्वालिटी मेरे को काफी ज्यादा सॉलिड लगती है। सबसे पहले इसके व्हील्स मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर बहुत ही अलग टाइप के व्हील्स दिए गए, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अंदर अलॉय देखने को ही नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा का पूरा व्हील है। और व्हील के ऊपर ग्रिप आप देख सकते हो, बहुत ही कमाल की ग्रिप दी गई है। तो इसको हटा देते हैं गाइज। ये रहा इसके अंदर का हार्डवेयर, आप देख सकते हो यहाँ पर हम लोगों को 3S की 2 बैटरी लगानी पड़ती है। बैटरीज भी इसके साथ नहीं मिलती है गाइस, बैटरीज भी हम लोगों को सेपरेटली खरीदना पड़ता है। यहाँ पर मोटर है, मोटर के ऊपर एक फैन दिया हुआ है और ईएसी के ऊपर भी एक फैन है। तो ये लो यार जेएलबी चीता को मैंने इसके साइड में रख दिया है। जेएलबी चीता फायर टीम के सामने बिल्कुल आधी लग रही है यार। देखो दोनों के साइज में बहुत ज्यादा फर्क दिया गया, और दोनों के व्हील्स भी देखो यार काफी ज्यादा डिफरेंट है। कि जब मैं इसको धूप में चला रहा था इसकी बॉडी पिघल गई थी यार पूरी तरीके से। सामने इसके अंदर भी एंटी कोलिशन बम्पर मिलता है, और दोनों को मैंने साइड बाय साइड रख दिया है। यहाँ पे अंदर का हार्डवेयर आप देख सकते हो, ईएसी के ऊपर एक फैन तो देखने को मिल जाता है, पर मोटर के ऊपर कोई भी फैन इसके अंदर नहीं दिया गया। और इसकी मोटर आर्मा फायर टीम से थोड़ी सी छोटे साइज की मेरे को लग रही है, और इसके अंदर हम लोग सिंगल बैटरी लगा सकते हैं। अब 9.5 आरसी कार को कंपेयर करके देखते हैं। ऊपर का कवर मैंने हटा दिया है। इसके अंदर एक अच्छी चीज ये है कि इसके अंदर भी ब्रशलेस मोटर दी गई है, और मोटर के ऊपर इतना बड़ा वाला एक फैन भी देखने को मिल जाता है यार। ये चीज मेरे को इसके अंदर काफी ज्यादा बढ़िया लगती है। और इसके अंदर भी पीछे की तरफ यहाँ पे इतना बड़ा वाला एक स्पॉइलर भी देखने को मिल जाता है। आज दोनों के बीच में रेस कराते हैं, देखते हैं दोनों में से कौन जीतता है। तो ये लो यार थंडर बोल्ट को मैंने आर्मा फायर टीम के साइड में रख दिया। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो दोनों के व्हील्स नो डाउट ऑफ रोड के लिए ही बनाए गए हैं, पर व्हील्स के बीच में फर्क आप देख सकते हो बहुत ज्यादा फर्क दिया गया है। ये रही हमारी रफ्तार आरसी कार। इसकी सबसे खास चीज आपको पता होगा, इसके अंदर लगे हैं 6 व्हील्स, और ये 6 व्हील्स इसके अंदर एक साथ काम भी करते हैं। अगर मैं इसको आर्मा फायर टीम के साइड में रखता हूं तो देखो यार ये कार बहुत ज्यादा छोटी लग रही है आर्मा फायर टीम के सामने। सभी कार्स को मैंने यहाँ पे रख दिया है। अभी चलो चलते हैं बाहर, कराते हैं इनके बीच में फाइट, देखेंगे इस आज की फाइट में कौन सी कार जीती है। लेट्स गो एंड फाइट। तो यार सभी कार्स को मैंने आउटडोर में रख दिया है। इन सब के बीच में आर्मा फायर टीम दानव लग रही है यार। चलो सबसे पहले इसको ही टच करके देख लेते हैं। इसके अंदर पावर इतनी ज्यादा दी गई है कि जैसे मैं इसके अंदर फुल थ्रॉटल दबाता हूं तो बिल्कुल एक रॉकेट जैसी आवाज आने लगती है, और मैं इसके अंदर हैंड ब्रेक अप्लाई करता हूं तो गाइस देखो ये कार पूरी तरीके से 360 डिग्री घूम जाती है। कार को चलाने का मजा ही कुछ अलग है। अब ये थंडर बोल्ट आरसी कार को टच करके देखते हैं। ये कार के अंदर ब्रशलेस मोटर होने के कारण जैसे ही मैं फुल थ्रॉटल प्रेस करता हूं तो ये कार पूरी तरीके से व्हीली करने की कोशिश करती है, और इसके अंदर भी पावर बहुत ज्यादा मैंने ऐड करी है गाइस। अब E9.5 आरसी कार को टेस्ट करके देखते हैं। ये एक बग्गी टाइप आरसी कार है। इस तरह की कार सिर्फ रेस में चलाने के लिए ही बनाई जाती है, और इसकी पावर देखो यार कितनी ज्यादा है भाई, बहुत कमाल तरीके से ड्रिफ्ट कर सकती है। यार कुछ तो टूटा है इसके अंदर। ओ माय गॉड गाइस, यहां पे आज गर्मी बहुत ज्यादा है यार, इस वजह से मेरे को लग रहा है कि इसका व्हील फट चुका है पूरी तरीके से, और इसके अंदर से फोम भी निकल के बाहर आ चुका है। अगर मैं इसको फुल स्पीड में चला रहा हूं तो देखो यार इसके अंदर बहुत ज्यादा वाइब्रेशन आने लग रहा है। तो एक बार मैं चला के भी टेस्ट कर लेता हूं, नहीं हो पाएगा, ये कार थोड़ा सा लेफ्ट को जाने लग रही है। ठीक है यार E9.5 को मैंने साइड में रख दिया। फिलहाल अभी इन दोनों के बीच में कराते हैं रेस, देखते हैं इन दोनों में से कौन सी कार जीतती है। रेस यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। फर्स्ट राउंड में क्लियरली जेएलबी चीता यहाँ पर विनर है। अब देखते हैं सेकंड राउंड में कौन जीतता है। सेकंड राउंड में भी गाइस सरप्राइजिंगली जेएलबी चीता जीत चुकी है। थर्ड राउंड में यहाँ पे अभी आर्मा फायर टीम ने इसको बीट कर दिया है। आर्मा फायर टीम आगे निकल गई है, और फोर्थ राउंड में भी आर्मा फायर टीम ने बीट कर दिया है जेएलबी चीता। फिफ्थ राउंड
स्टार्ट में तो दोनों बिल्कुल साइड बाई साइड चल रहे थे, पर आर्मा फायर टीम ने वापस से पीछे छोड़ दिया है जेल बिजीता को। अब जेल बिजीता आगे निकल गई। यार ये क्या हो रहा है यहाँ पर, कभी आर्मा फायर टीम आगे जा रही है, कभी जेल बिजीता आगे जा रही है, दोनों के बीच में टाई हो रहा था गाइस, मेरे को ऐसा लग रहा था। पर यहाँ पे सरप्राइजिंगली आर्मा फायर टीम का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो चुका है। देखो यार ये कार 100 मीटर दूर तक रगड़ खा के गई थी, मेरे को लगा था कि भाई इसके अंदर कुछ ना कुछ टूट जाएगा, पर कुछ नहीं हुआ यार। अभी दोनों के बीच में मैं ऑफ रोड में रेस लगाने वाला हूँ, देखते हैं ऑफ रोड में दोनों में से कौन जीता। यहाँ पे फायर टीम काफी ज्यादा आगे निकल गई है, मेरे को नहीं लगता कि ऑफ रोड में जेल भी जीता जीत पाएगी आर्मा फायर टीम से, क्योंकि यार इसके व्हील्स काफी ज्यादा बड़े हैं, इस वजह से इसको ग्रिप काफी अच्छे तरीके से मिल जाती है ऑफ रोड रेस में। क्लियरली यहाँ पर ऑफ रोड में आर्मा फायर टीम जीत चुकी है। अब थंडरबोल्ट की रेस कराते हैं आर्मा फाइट टीम के साथ। थंडरबोल्ट के अंदर मैंने ब्रशलेस मोटर लगा दी है, देखते हैं गाइस ये आर्मा फाइट टीम के सामने टिक पाएगी या फिर नहीं। जैसे ही मैंने आर्मा फाइट टीम के अंदर फुल स्पीड बढ़ाई है, इसके हवा के झोंके के कारण ही देखो यार थंडरबोल्ट इसके सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पा रही थी, और ये उछल के भाई झाड़ियों में आगे गिर चुकी है पूरी तरीके से, और इसका स्पॉइलर भी टूट चुका है। मेरे को नहीं लगता गाइस रेस में ये जीत पाएगी आर्मा फाइट टीम से। फिर मैंने रफ्तार आरसी कार की भी रेस लगा के देखी है आर्मा फाइट टीम के साथ। आर्मा फाइट टीम ने यार रफ्तार अभी काफी ज्यादा डिस्टेंस है हरा के रख दिया था रेस में। अब आर्मा फायर टीम के सामने मैंने रख दिया है जेल भी जीता को। आप देखो यार ये जेल भी जीता इतनी ज्यादा पावरफुल कार है कि ये 1 लाख की कार को भी टैकल करके रोक रही है पूरी तरीके से। ठीक है पुशबैक में तो दोनों के बीच में टाई हो चुका था। आप कराते हैं चौको फोर, यहाँ पे पता चलेगा दोनों में से कौन सी कार है सबसे ज्यादा पावरफुल। यहाँ पे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा यार, कौन सी कार हार रही है कौन सी कार जीत रही है, इतनी ज्यादा धूल मिट्टी उछल रही है यहाँ पर। ये देखो यार बवंडर के अंदर से निकल के आ चुकी है आर्मा फायर टीम, और ये जेल विजेता को बहुत खतरनाक तरीके से घसीट के लेके जा रही है। और जेल विजेता भी कुछ कम है नहीं, जेल विजेता इसके ऊपर बहुत ज्यादा मिट्टी फेंककर इसको रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर आर्मा फायर टीम इससे भी ज्यादा पावरफुल है। ओ माय गॉड आर्मा फायर टीम के ऊपर देखो पूरी तरीके से मिट्टी के अंदर हिला के रख दिया यार। अब आर्मा फाइट टीम के सामने आ चुकी है रफ्तार कार इससे फाइट करने के लिए, देखते हैं दोनों में से कौन जीतता है। आर्मा फाइट टीम ने पूरी तरीके से रफ्तार कार को पिचका के रख दिया यार, रफ्तार कार यहां से निकल के भागना चाह रही थी, पर आर्मा फाइट टीम ने अपने पीछे के व्हील से इसको पटक दिया है पूरी तरीके से, और ये हार गई है। आर्मा फायर टीम की फाइट कराते हैं थंडरबोल्ट आरसी कार के साथ। थंडरबोल्ट आरसी कार पूरी कोशिश कर रही थी आर्मा फायर टीम को रोकने के लिए, पर आर्मा फायर टीम ने यार इसको भी धूल चढ़ा के रख दी है पूरी तरीके से। यार ये कार एकदम बवाल है। तो यार ये 1 लाख रुपीज की आर्मा फायर टीम को मैंने एक साइड बांध दिया है, और ये तीनों कार्स को एक साइड बांध दिया है, ये तीनों का प्राइस मिलाकर 1 लाख रुपीज के आसपास होगा। अब यहाँ पे बराबर की टक्कर होने वाली है इनके बीच में। आप कराते हैं चौको फोर, यहाँ पे ये तीनों कार्स मिलकर आर्मा फायर टीम को खींच के लेके जा रही थी, पर जैसे ही मैंने फुल ट्रिगर दबाया है आर्मा फायर टीम धीरे धीरे करके इन तीनों को खींचना चालू कर चुकी है। यहाँ पे ये तीनों कार्स पूरी कोशिश कर रहे हैं आर्मा फायर टीम को रोक के इसको हराने के लिए, पर आर्मा फायर टीम इन तीनों से भी ज्यादा पावरफुल निकली यार। भाई को तो यकीन नहीं हो रहा कि ये कार ने यार तीनों को इकट्ठा हरा के रख दिया है थग ऑफ वॉर में भी। ये तीनों कार जिसके ऊपर मिट्टी फेंक कर रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर आर्मा फायर टीम यहाँ पे बिल्कुल भी रुक नहीं रही है। इस बार भी आर्मा फायर टीम के ऊपर जेल भी चीता ने बहुत ज्यादा मिट्टी फेंक दी थी, पर जेल भी चीता के ऊपर भी आर्मा फायर टीम ने इस बार बहुत ज्यादा मिट्टी फेंक कर इसको मिट्टी में मिला दिया यार पूरी तरीके से। अब यहाँ पे एकदम खतरनाक वाला टेस्ट हम लोग करेंगे गाइस। यहाँ पे देखो बहुत सारे ट्यूबलेट्स मैंने लगा दिया है। पिछली बार जब मैंने स्लेज को ट्राई किया था यार स्लेज का व्हील फट गया था पूरी तरीके से। देखते हैं आर्मा फायर टीम इकट्ठा इतने ट्यूबलेट्स को फोड़ पाती है यानी। ओ माय गॉड सरप्राइजिंगली यार इसने तो पूरे के पूरे ट्यूबलेट्स का कचूमर निकाल के रख दिया था। अब देखते हैं रफ्तार कार इतनी ढेर सारी ट्यूबलेट्स को फोड़ पाएगी या फिर नहीं। ओ यार इसने एक ट्यूबलाइट को तो फोड़ा था, पर बाकी ट्यूबलेट्स एक्सीडेंटली फूट चुके हैं। पर इसके भी व्हील्स काफी ज्यादा सही यार, इतने नुकीले कांच के अंदर से इसको चला रहा हूँ फिर भी इसके व्हील्स बिल्कुल भी फट नहीं रहे। अब जेल विजेता को टेस्ट करके देखते हैं, इसके भी सामने मैंने ढेर सारे ट्यूबलेट्स लगा दिए। ओ माय गॉड जेल विजेता भी काफी ज्यादा पावरफुल है यार, इसने भी भाई चुटकी बजाते ही सभी ट्यूबलेट्स का कचूमर निकाल के रख दिया है। इसके भी व्हील्स बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। तो यार जेल विजेता भी आर्मा फायर टीम जितनी ही टफ है। अब यहां पे मैं कैन टेस्ट करने वाला हूं, देखते हैं गाइस आर्मा फायर टीम कितने कैंस को तोड़ पाएगी। ओ भाई इसने तो सारे के सारे कैंस को रौंद के रख दिया है, और यहां पे कुछ ऐसे भी कैंस मेरे को नजर आ रहे हैं कि इसने दो टुकड़े करके रख दिया। ये कैन तो फट चुका है पूरी तरीके से, ये तो दो टुकड़ों में कट गया यार, इतनी ज्यादा जोर से टक्कर मारी थी आर्मा फायर टीम ने। अब जेल भी जीता के साथ भी सेम टेस्ट करते हैं। जेल भी जीता थोड़ा सा ऊपर से निकल गई यार, यहां पे भी मेरे को लग रहा है कि बहुत सारे कैंस फट चुके हैं। इसने भी तीन कैंस को तोड़ दिया है पूरी तरीके से, पर आर्मा फायर टीम ने तो यार कचूमर बना दिया था सभी कैंस का। ओके अब ड्रिफ्ट टेस्ट करते हैं इन कार्स के बीच में, देखते हैं गाइस कौन सी कार सबसे बढ़िया तरीके से ड्रिफ्ट कर सकती है। आर्मा फायर टीम के अंदर हैंड ब्रेक होने के कारण ये कार बहुत अच्छे तरीके
तरीके से ड्रिप कर सकती है और जेल भी जीता भी बहुत बढ़िया तरीके से ड्रिप कर रही है। तो यार आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको ये सभी कार्स में से कौन सी कार अच्छी लगी। चलो भी मैं दे देता हूँ शाउट आउट। पहला नाम है निशा, राजकुमार, अयुब, संदीप, तुषार, नीलेश, साकिब, हरीश, रोहित, सागर। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय दोस्तों।